हेलो फ्रेंड्स, आई एम सभा शेख फ्रॉम विजडम मास्टर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है वो थियरी बेस्ड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है, मैं वो क्वेश्चन लाई हूँ जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही होने हैं। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगी, आपको प्रैक्टिस सेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दूंगी, जिसको करने के बाद आपको आई होप, मुझे लगता है कि 30 में तो 30 करने के चांस हैं ही, आप कर लोगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला हमारा है समाज के नियमों को सीखना, दूसरा है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, तीसरा हमारा है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला समाज के नियमों को सीखना, दूसरा समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, तीसरा सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। दोस्तों, अगर आपको ये पता होगा कि 3 नियम होते हैं, 3 चरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो अगर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ये दे देगा, 1 अदर कोई दे देगा और पूछेगा समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा चरण नहीं है, तो दोस्तों अगर आपको याद रहेगा तो आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, शिशु के मस्तिष्क का वजन जो है वो 350 ग्राम होता है। बाल्यावस्था में इसका वजन जो है, मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1300 से 1350 ग्राम होता है, और किशोरावस्था में मस्तिष्क का जो है पूर्ण विकास हो जाता है और उसका वजन 1400 ग्राम होता है। ठीक दोस्तों, शिशु का मस्तिष्क का वजन जो है 350 ग्राम होता है और बाल्यावस्था में यही मस्तिष्क का विकास 95% हो जाता है, यानी 1300 से 1350 ग्राम हो जाता है, और किशोरावस्था में पूर्ण विकास हो जाता है मस्तिष्क का और 1400 ग्राम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया है, 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो दोस्तों, एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। कितना गुना होता है? 3 गुना। ठीक है दोस्तों, याद हो गया होगा आपको एक वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है। तो दोस्तों, एक वर्ष में जो बालक का वजन हो जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जान लेते हैं, जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। किसकी लंबाई अधिक होती है? लड़कों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, जन्म के समय बालक की लंबाई जो होती है वो लगभग 25 इंच होती है तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो दोस्तों, मानव के जो अस्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं और अस्थायी दांत जो होते हैं वो 12 होते हैं। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो ये 12 होते हैं। टोटल मनुष्य के 32 दांत होते हैं, इसमें से 20 दांत जो है वो 2 बार निकलते हैं, जिसे डाइफायोडोंट भी कहते हैं, जिसे दूध के दांत कहते हैं, और 12 दांत जो हैं वो 1 बार निकलते हैं, जिन्हें मोनोफायोडोंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? तो दोस्तों, किशोरावस्था में जो है वो 4 दांत आते हैं, जिसे इन्हें अक्ल की डांट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था, इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ये चिकित्सक थे,
इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, ये सब इनके सिद्धांत हैं। दोस्तों जिन प्याजे जो थे वो उन्होंने अपना प्रयोग अपने तीन बच्चों पर किया था। उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को उन्होंने खोजा था। 30 वर्ष तक बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया था। इनके संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं चार हैं। संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों ये कि ये सीटेट का जो है वो फेवरेट क्वेश्चन है जिन प्याजे से। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इनकी पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ अ चाइल्ड, जिन प्याजे जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बुद्ध के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत गोलमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बुद्धि का संरचना सिद्धांत आईजेंक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो दोस्तों किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या जो है वो यौन संबंधी समस्या होती है। दोस्तों किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर एग्ज़ाम में पूछता है, सीटेट है, यूपीटेट हुआ या सुपरटेट, जो भी हो, हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो दोस्तों मानव विकास की किशोरावस्था के बाद जो व्यक्ति है वो परिपक्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए जो है वो बाल्यावस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो ये किशोरावस्था की सूचक होती हैं। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका विज्ञान है? ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, ये कथन किसका है, किसने कहा है? तो दोस्तों ये ड्रेवर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, इम्पॉर्टेंट है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम मंडीबल है, जो कि जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये जबड़े में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग जो है वो हल्का गुलाबी होता है। 15 दिन के बाद त्वचा अस्थाई रंग को प्राप्त कर लेती है। कितने दिन के बाद करती है? 15 दिन के बाद जो है त्वचा वो अपना अस्थाई रंग प्राप्त कर लेती है। जन्म के समय जो है उसका रंग हल्का गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो दोस्तों नवजात शिशु जो है वो 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वो हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता रहता है। कितने घंटे? 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो दोस्तों बालक का जो विकास है वो 6 वर्ष तक लगभग 90% तक हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों ये 95% हो जाता है 10 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो दोस्तों बाल्यावस्था में जो है बालक की हड्डियां जो हैं वो 270 से 350 तक हो जाती हैं।
यानी शैशवावस्था में जो है 270 रहती हैं, बाल्यावस्था में 350 रहती हैं और किशोरावस्था में 206 हो जाती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ था। दोस्तों आरटीई 2009 जो है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसमें जो पहला देश था वो नॉर्वे था और भारत का जो स्थान था वो 135वां स्थान था। पहला देश जो है वो नॉर्वे था। ठीक दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो दोस्तों 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो दोस्तों बालकों के भाषाई विकास का क्रम देख लेते हैं, रोना यानी रुदन या क्रदन बोलते हैं इसको, दूसरा है बलबलाना, तीसरा है हाव भाव, ये जो है बालकों के भाषाई विकास के क्रम होते हैं। इसमें एग्जाम में है जो है वो क्रम पूछ देगा, इधर उधर कर देगा ऑप्शन में, तो अगर आपको पता रहेगा आप इसे कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो दोस्तों बालक जो है वो सबसे पहले व्यंजन बोलता है, वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो दोस्तों बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। यहाँ से दोस्तों मातृभाषा से जो एक क्वेश्चन सीटेट का आना ही आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो दोस्तों बालक जो है वो 5 वर्ष की उम्र में अपनी बातों को कह पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो दोस्तों सबसे पहले जो भाषा का ज्ञान होता है वो अपने परिवार से होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर यहाँ से फिक्स है, ये आना ही आना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार जो है वो 50,000 शब्दों तक होता है। दोस्तों इसमें कहने की कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का जो शब्द भंडार है वो 80,000 शब्दों तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो दोस्तों लड़कियों का शब्द भंडार जो है वो अधिक होता है, किसका? लड़कियों का। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं, देख लेते हैं, अनुकरण द्वारा यानी दोहरा कर सीखना, खेल खेल विधि में यानी खेल 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 कर बच्चा जो सीखता है, कहानी सुनकर जो बच्चा सीखता है, वार्तालाप यानी बातचीत करके जो बच्चा सीखता है, प्रश्नोत्तरी विधि से यानी प्रश्न करके जो सीखते हैं, ये भाषा के सीखने के साधन है दोस्तों, अनुकरण द्वारा, खेल विधि द्वारा, कहानी द्वारा, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तरी द्वारा, यहाँ से बच्चे जो हैं वो भाषा को सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़कियाँ संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो दोस्तों लड़कियाँ जो हैं वो बात करना 6 वर्ष की उम्र तक सीख जाती हैं संकेतों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, लिंग है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, जनसंचार का माध्यम, समसमूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आसपास के आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव जो है, ये भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आप देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों मनुष्य और पशु में जो मुख्य अंतर होता है वो बुद्धि का होता है,
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो दोस्तों बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था। कहाँ के? यूनान के दार्शनिकों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और उनके सहयोगी थे स्टर्न, टर्मन और साइमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बुद्धि के जो दो कारक सिद्धांत हैं वो स्पीयरमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बुद्ध के जो दो कारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया हुआ है वो जी कारक और एस कारक हैं, जो स्पीयरमैन ने दिया है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के। आई होप कि आप लोग को अच्छे लगे होंगे। दोस्तों एक भी क्वेश्चन इसमें मिस करने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।